तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहाकर मैं ना नीचे आया हूँ। ये मैंने कपड़े पहने हैं, ये शर्ट ऊपर पहनी है पर्पल कलर की, नीचे ब्लैक ट्राउजर है, ऊपर ब्लैक कलर की चादर ली हुई है मैंने। तो अभी मैं आकर ना धूप में बैठा हुआ हूँ। ये वाला जो इलाके है ना, राम के गाना और मरी अयूबिया पटरियाटा, तो यहाँ ना नेट का बहुत मसला होता है। यहाँ नेट नहीं आता, बस यूफोन की और कौन सी चलती है, और टेलीनॉर की सिम बस चलती है यहाँ, जिसमें नेट आता है, और बाकी कोई सिम नहीं यहाँ चलती। तो इसी वजह से ना व्लॉग भी बहुत लेट अपलोड हो रहे हैं, नहीं तो मैंने आप लोगों के ऐसे ऐसे व्लॉग अपलोड करने थे। रात को मैं अभी एंड व्लॉग किया रात को, तो उसी वक्त मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठ गया, और व्लॉग भी पूरा 20 मिनट का था। इसी वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया, और ऊपर से मुझे नींद भी बहुत आई हुई थी। सफर भी बहुत ही लंबा किया था। सुबह आंख खुलने के साथ साथ ये व्यू देखने को मिला। यहाँ देख सकते हैं आप पहाड़, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। टाइम उठकर मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ अंदर बैठने की जगह ना, तो वहाँ बैठकर मुझे इतना सुकून मिला ये पहाड़ों की तरफ देखकर। और सुबह सुबह का टाइम था सर्गी का, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था। वो सामने देखे बर्फ का पहाड़ बना हुआ है, तो बर्फ अभी पिछले साल की बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक नहीं गई है। ये देखिए यहाँ भी हल्की हल्की पड़ी हुई है। होटल के सामने ना ये देखिए इस्त्री करने वाली की दुकान भी है। ये देखिए इस्त्री की सहूलियात मौजूद है। नारायण के गांव में बहुत सहूलियात है, मरी के आगे नारायण के गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर नारायण के गांव को और मरी को कंपेयर करें ना आपस में, तो नारायण के गांव नंबर ले गया। वाकई में नारायण के गांव बहुत अच्छा शहर है। यहाँ के लोग भी बहुत खिदमत करने वाले हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के भी। अभी मैं ना अपने होटल की ना छत के ऊपर आया हूँ, होटल में छत पर आया ना, तो मुझे इतना मजा आया ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी ठंडी हवा है ना, क्या ही बताऊँ, बस मैं आपको मजा आ गया यार। और बाकी आपको साइडों की तरफ देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए कितना ज्यादा पहाड़ है देखिए आप। और बाकी वहाँ नदी चल रही है, आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके। वहाँ देखे नदी चल रही है, और उसके अलावा सामने बर्फ वाला इतना बड़ा पहाड़ है, मुझे लगता है ये नांगा पर्वत है। पहाड़ है ना एक नांगा पर्वत, मुझे लगता है ये वही है, बहुत ही बड़ा। वो एक घेरा हुआ इसने, देखे वहां से देखे, वो देखे ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। और वहां देखे आप, ये देखें यार व्यू, लोकेशन चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी लोकेशन पे ये जो बकरे हैं ये चढ़ रहे हैं, घास खा रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, कितनी प्यारी लोकेशन है। यहाँ भी दरख्त आप लोग देख सकते हैं, नीचे की तरफ व्यू चेक करें। बाकी बहुत ही मजा आया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा से कमेंट करो, और बेल लाइकन को सेट कर दो, ताकि मैं जो भी आगे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि माशाल्लाह से चलते हैं नीचे, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, चलते हैं नीचे। और नीचे चलकर ना चल नाश्ता करने के लिए जाते हैं। ये सामने बाजार है बहुत बड़ा, आप लोग देख सकते हैं, तो हम भी देखें, ये देखें, और इस तरह भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देखें कितना बड़ा बाजार है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मरी को मैं भूल ही गया हूँ इसको देख के, माशाल्लाह बहुत ही मजा आ रहा है। छत पर दिल करता है यहाँ ही बंदा लेटा रहे। अभी चलते हैं नीचे, भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ है। वहाँ भी आप लोग देखे थोड़ा सा चश्मा आ रहा है, जब बंदे को चीज पकाते हैं ना बर्तनों में, तो बर्तन धोने के लिए। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये चश्मा आ रहा है, वो देखे नीचे मुस्तफा भी खड़ा हुआ है, सामने इस्त्री करने वाली दुकान है। माशाल्लाह जो भी कहे ना, बहुत ही मजा है। बिरयानी है, दाल चावल, जो जो खाने पीने को दिल करे वो सारे ये बाजार में मिल जाता है। नारायण के बाजार में आ गए हैं, ये देखें आप, तो यहाँ से नाश्ता करना, होटल बहुत सारे हैं, निकलते सारी एक ये लाइन लगी हुई है होटलों की, तो इसके अंदर चलते हैं शरहाद होटल एंड रेस्टोरेंट पर, चलते हैं अंदर। सलाह देखो दाल चावल भी है, खाएं। ओए ओए, हम होटल में आके नाश्ता करने लगे, ऑर्डर दे दिया, और यहाँ देखे बर्फ के ओले पड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, बारिश पहले पड़ी है, बारिश के बाद बर्फ के ओले पड़े हैं। यार होटल में आगे बैठे हैं, तो घर वाले ना खा रहे हैं पराठा और अंडा साथ चाय, तो मेरा दिल नहीं कर रहा है पराठा और अंडा खाने का। मैंने अपने लिए चावल मंगवा लिए और ऊपर चने दुलवा लिए हैं, तो अभी खाने हैं चावल। अभी मैं ना आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह यार बहुत ही मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, बहुत ही माशाल्लाह मजा आया है। तला तुमने भी नाश्ता कर लिया, आकड़ा मंड कर लिया, नहीं कुछ कर दिया, मजा आ गया।
तो मजा आ गया, बारिश पड़ी थी बाहर नाश्ता करते करते हमारे बारिश पड़ गई, तो आप लोग देख सकते हैं रोड सारे गीले हो गए हैं। तो नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद मैं आ गया हूँ ऊपर छत पर, जो छत ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें, ये छत पर खड़े होके व्यू देखते रहे। जब मैं घर था ना तो टिकटॉक में मैं ऐसे व्यू देखता रहा था, लेकिन आज रियल में देख लिए हैं। जो बर्फ है ना, ये बर्फ धूप की वजह से पिघलती है, और पिघलने की वजह से बील होकर ना बर्फ नीचे की तरफ आती है, जो वो फिर चश्मा बन जाता है। यार व्यू ने ना सारे पैसे वापस मोड़ देने, ये व्यू देख कर ना बहुत ही मजा आ रहा है, और अब ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम इतना सफर करके आए हैं। ये तो कुछ नहीं है, जब हम जाएंगे ना जेल सफर मुल्क पर जब घूमने के लिए जाएंगे फिर आपको व्यू दिखाऊंगा। तला भी ऊपर आ गया, तला व्यू देखो, वो देखो सामने बर्फ वाला पहाड़, बहुत ठंडा पानी आता है, बहुत ठंडा पानी है, नहाया मैं नहीं जाता। तो यार अभी खाना खाया है, तो खाने के बाद ना आए हुए हैं दूध लेने के लिए, चाय पीने का दिल का आ रहा था ठंडे ठंडे मौसम में, सर्दी में चाय पीने का दिल का आ रहा था, तो दूध ढूंढने के लिए आए हुए हैं, कहीं से खुला दूध मिल जाए ना तो फिर काम बन जाएगा। यहाँ से देखते हैं रोड से, हैदर पूछने के लिए गया देखे दूध, हाँ नहीं मिला हैदर, नहीं मिला, चला ढूंढते हैं जाके, मिल गया फाइनली दूध दही वाली दुकान, मिल गया। चलो जी अंकल से 1 किलो दूध ले लो, नहीं 1 किलो दूध देना अंकल जी, 1 किलो दूध। कैसा लगा मेरा मजाक? दूध बहुत मुश्किल से मिला है, मरीज कुछ है नहीं, ये ऐसा इलाका घूमने वाला, यहाँ मजा आता है। वो आपने बाहर रोड पे दुकान, हाँ बाहर रोड पर डाल देना, फिर गाहक भी बहुत ज्यादा होने। एक बंदे से हमने पूछा दूध कहाँ से मिलेगा, वो कहता पूरे नाराम से नहीं मिलना, तो हम पास वाली गली से ले आए हैं। उसका ज़हन था कि हमारे होटल से चाय पी ले। नादी भाई किसी का फायदा करता है। सिलेंडर लाना मैं भूल गया, नीचे किचन में पड़ा हुआ है, चलते हैं नीचे सिलेंडर लेकर आते हैं, साथ में चाय के एक बिस्किट खाना है। तो यार जब हम नारायण सिटी में एंटर हुए थे तो आपने देखा था ना रास्ते में ना दरिया किनारा आ रहा था, जहाँ लोग बैठे हुए थे पिकनिक मना रहे थे, तो वहां भी हम लोग जा रहे हैं, बाहर कपड़े सारे पहने हैं ऊपर से मैंने, तो वो भी बताओ जो हम पहले पहाड़ के ऊपर गए थे। हाँ हमने थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर गए हुए, कपड़े भी गंदे हो गए थे, यहाँ पर मिट्टी लगी होगी, नहीं साफ कर ली थी हमने पानी पूनी मार के, तो बाकी तलहा को चढ़ा, तलहा से चढ़ा इंतजार है अभी घर आ गए हम, हमने कहा कि न जाए। हाँ तो बाकी नहीं तो हमने वो बर्फ वाले पहाड़ पे जाना था, ये आप देख सकते हैं आगे बर्फ वाले पहाड़ पर, तो अभी चलते हैं आप उससे चल कर सारा सीन दिखाते हो, आप लोग व्यू जहाँ चेक कर सकते हैं, हवा इतनी तेज है, हैदर ने भी ये जैकेट पहनी हुई है, स्टाइलिश लग गया। क्या बोला तूने? तो पापा देखे नीचे चले गए हुए हैं, कार में बैठने लगे हैं, और आप लोग यहाँ देखें माहौल, व्यू चेक कर सकते हैं ऊपर, बादल भी देखें, ये बादल देखें आप लोग बस, और यह हवा भी देखें कितनी ज्यादा है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, अभी अभी थोड़ी सी कम हुई है, गाड़ियां वो खड़ी की हुई हैं, बारिश बहुत ज्यादा थी ना, तो बाहर निकला जा रहा है, तो पापा के साथ भी बाहर आए, मैंने कहा यार आपको ना थोड़ी वीडियो बना के दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं बाहर आया हूँ बारिश में, ये देखें ये नदी है, यहाँ हमने रुकना था आगे लेकिन बारिश होगी, ये स्टार्ट है, क्या बात, अलिया दर भी आ गया, ये आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ देखें जी ठंडा ठार पानी, अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल है, ऊपर की तरह पहाड़ देखे, ऐसे बारिश पहाड़ियां तो नजर नहीं आ रही तरीके से, यहाँ देखे पापा भी खड़े हैं, पापा ठंड बहुत ज्यादा है ना, जिदा कोई हिसाब ही नहीं है। Thank you.
देखे बर्फ के भी पहाड़ लगे हुए, ये अभी तक पिघली नहीं है। वो देखे ऊपर से आ रही है। यार कुछ लोगों ने ना मुझे कमेंट किए हैं कि यार नारायण के गान कह रहा मौसम कैसा है, तो यार जितना भी अच्छा और ठंडा कह लेना उतना ही कम है, जितना भी कह ले उतना ही कम है। माशाल्लाह से इतना का ठंडा मौसम है ना, आप क्या ही बताओ। ये जन्नत के नज़ारे हैं दुनिया में, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें जन्नत के नज़ारे दे दिए हुए हैं। वो देखे उस तरफ बड़ी नदी चल रही है और ये छोटी है, यहाँ पानी इतना गहरा नहीं है। तो यार मौसम का जितना भी कह लेना अच्छा उतना ही कम है। आप लोग यहाँ आकर तो देखें, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और यहाँ चीज़ें भी बहुत सारी हैं खाने पीने के लिए, और सहूलियत बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। अली अदरो सुनाओ, यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा है ना, ठंडा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। यहाँ मेरे नजर से अभी ना 7-8 डिग्री वेदर है, बहुत ज्यादा सर्दी है हमारे साथ, बस फैमिली है ना, अकेले होते हैं। 7-8 डिग्री वेदर मेरे नजर से होगा, अभी देखा तो नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। वो देखे ताया भी आ रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है ना, इसी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसी वजह से ना बाहर नहीं आ रहे सारे। वो देखे ताया भी आ रहे, ताया से पूछते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस है। ताया भी बताए क्या वेदर यहाँ के चल रहा है? वेदर यहाँ का समझ ले 0 डिग्री है, बहुत अच्छा है ना, इतना प्यारा मौसम है के यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर। दुनिया में जन्नत के नजारे हैं, ये सारी जन्नत इधर आ गई है। हाँ सही बात है। अच्छा यार मैं कहना क्या थे ना, बड़ा प्यारा मौसम है यार, क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा, घर जाने का दिल ही नहीं करता। हाँ ये एक महीना इधर है, हाँ महीना एक पूरा इधर ही है। लेकिन ताया बुक ना वीडियो शूट हो रही है, ताया बुक फुल हैंडसम हो है, हाँ सिंगर, चेक करें रिजल्ट आप। बारिश बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों के लिए ना मैंने अपना कोट गीला कर लिया है। मैंने आपके यार व्यू दिखा देते हैं, आए हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को कुछ दिखा कर ही जाएंगे, समझ रहे हो। मौसम के यार बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि कैसा मौसम यहाँ चल रहा है, एंड ही हो गया यार, एंड ही हो गया। हरून आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है, हरून आपकी बहुत याद आ रही है, बुरा याद आ रही है, आ जाओ सबसे पूछ लिया। बहादुर के पापा से पूछते हैं, मम्मा की से कैसा एक्सपीरियंस है ठंड का, मम्मा की कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यकीन करो मेरा दिल कर रहा है कि मैं 5-6 दिन ज्यादा रहूं। ये नादर को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पंजाबी बंदे हैं जनाब, सही बात है, नहीं पंजाबी है, देसी पंजाबी बंदे हैं। दादा से भी पूछते हैं, हाँ जी दादा बाबू कैसा फील हो रहा है? नादर बेटा ये कुदरत के नज़ारे हैं और ये मैंने पहली दफा देखे हैं, सही बात, मेरा जी चाहता है कि मैं एक महीना इधर गुजारूं, हर चीज भूल गया हूँ, अल्लाह की कुदरत देख के मुझे ना बहुत मजा आ रहा है, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ एक महीना इधर मेरा दिल चाहता है कि इधर रहूं। और ये वहाँ देखे कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, मंजर है अल्लाह पाक के, ये हकीकत में अल्लाह पाक ने नारायण बनाया हुआ है, हकीकत सही बात है। ये ग्लेशियर देखो पिघल रहे हैं, ये ऊपर देखो ग्लेशियर, सब बर्फें पड़ी हुई हैं, और ये सब नीचे देखो ये सब बर्फ पड़ी हुई है, ये जो भी है ये सब बर्फ है, और ये दरिया का हार चल रहा है, क्या जाने जाने, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यकीन करें, बहुत ज्यादा। का ना चैनल भी जो है ना, भाई सब लोग इस बेटे का, ये मेरा पोतरा है, इसका चैनल सब्सक्राइब करो और फॉलो करो ताकि ये अच्छी वीडियो बना कर दे। हाँ सही बात है। ये देखे इब्राहिम ने न्यू जैकेट ली है, ये अपनी मामा का बहुत तंग कर रहा था सुबह का, जैकेट नवी ले जनाब, पुरानी नहीं है। अच्छा हमको सिखा रिया है, ये अभी देखे लेकर आया, कोई पुरानी नहीं, सुबह का तंग आ रहा था। आप लोग ना वहाँ गौर करना, वहाँ जो बर्फ के पहाड़ है वो नजर नहीं आ रहे हैं, ये जो दो एक ये और एक ये नजर आ रहा है ना, इसके जो दरमियान वाला ना वो नजर नहीं आ रहा, इतने प्यारे व्यू, इतने प्यारे। वो लोग भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ जरूर आए, ये मरी मुरी आप लोग भूल जाएंगे। वो हमारा सामने होटल है उस तरफ, और यहाँ नदी है, ये आपको व्यू मिले तो आप लोग क्या कहोगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें जन्नत के नज़ारे दे दिए हुए हैं। मेरे मोबाइल में बैटरी डाउन हो गई हुई है, सुबह की लाइट भी नहीं आई। पहले ना मैं वहाँ पत्थर पर बैठा हुआ था, ये वाले पत्थर पर, तो मुझे लगा कि पानी गहरा नहीं है। वो देखे वो एक दूसरी नहर जा रही है ना, जो बड़ी नहर है दरिया किनहार, वो जा रही है, लेकिन ये वाली जगह ना यहाँ हो गया ना, ये पानी थोड़ा है लेकिन यहाँ गहरा बहुत है, यहाँ मेरा ज़्यादा पाँव डूब गया हुआ था। हाँ तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं आपके पास आया ब्लॉग में आने के लिए है ना।
अबे बड़ा गहरा ही, मैं आगे के अंदर मजाक चलावा। हाँ हरून को, हरून की और बुरा लगी बहुत याद आ रही है। हरून को लोग भेज रहे हो ना, आई लव यू हरून, बुरा आई लव यू हरून। अगर ये व्लॉग देख रहे हो ना तुम बड़ा बुरा कमेंट करो हरून एंड बुरा ये कमेंट करो, आई लव यू। जनता माफ नहीं करेगी। आप पागलों ने देखिए अपनी गाड़ी फसाली हुई है, धक्के लगा रहे हैं पीछे से, देखना अब धक्का लगवाते। वन टू मर गए थे वो, मुझे दिखा नहीं लग रहा यार पीछे वो देखे। गाड़ी फसा ली, इतनी बड़ी गाड़ी है तो फंस गई इन्होंने। तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं यहाँ से। اللهم ارحمنا بالقران واجعله यार भी मैंने गा रहा था और बाकी भी मैं सोने लगा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने फुल एंजॉय किया होगा। और बाकी थकावट उतरी भी नहीं थी यार, तो यार चले हुए पास ही। मैंने कहा यार आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, लेकिन अगले व्लॉग्स में मैं आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। हम लोग भी जाएंगे तो और भी बहुत जगह पर घूमने के लिए जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा से कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करो। मिलते हैं आपसे सेंटीमीटर का पहले बार।